एंगल है, ये कह रहे हैं कि तौकीर रजा और तो फिर तो मतलब इस हिसाब से तो फिराद हकीम भी मतलब आरएसएस के ही हुए नहीं बिल्कुल आपके हिसाब से एमसी और बीजेपी आपका अच्छा आप कह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई वहां पे लेफ्ट खत्म हो गया भैया देखिए क्योंकि प्रेम शुक्ला जी एक मिनट एक तौकीर रजा भी आपके हैं अश्वर्य भाई एक मिनट फिराद हकीम भी आपके हैं हां क्या बोले ऐसा है कि जिस पार्टी को आगे जाना होता है वो बीजेपी से लड़ती है और मुसलमानों का सपोर्ट करती है तो मतलब ओवैसी वाला एंगल आप दे रहे हैं कि मतलब ओवैसी बीजेपी की टीम भी है टीएमसी ममता बनर्जी ही कर रहे हैं बाकी मुसलमान अच्छा ममता दीदी बीजेपी के लिए काम कर रही है मुसलमानों के मुफाद में कोई काम नहीं हो रहा है मुसलमानों यानी आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी के लिए काम कर बिल्कुल काम करती है आपने कभी बताया नहीं प्रेम जी ये क्या मतलब फिराद हकीम जी मतलब आपकी टीम भी है क्या ये कह रहे हैं पहले केजरीवाल टीम भी होते थे अब ममता बनर्जी केजरीवाल ओवैसी और अब ममता बनर्जी देखिए प्रेम जी सुन लीजिए आप जो है अब प्रेम शुक्ला जी अंबर जी आ रहा हूं देखिए मुलायम सिंह यादव कभी नहीं कांग्रेसी ऐश्वर्य जी कांग्रेसी कहते थे मुलायम सिंह यादव टीम भी है आरएसएस की राहुल गांधी कहते थे अखिलेश यादव असगर खान साहब आ रहा हूं केजरीवाल टीम भी है ओवैसी टीम भी है ममता बनर्जी टीम भी है सारे टीम भी है और ये सारे टीम भी के लोगों को वोट देने चले जाते हैं ये टेलीविजन पे तो आज बात कर रहे हैं लेकिन इंडिया अलायंस के राहुल गांधी जो इनके नेता हैं राहुल गांधी को जाके समझाएं ना कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सुश्री ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है उनको जो हिंदू मुस्लिम करेगा प्रेम जी सुन लीजिए जो हिंदू मुस्लिम करेगा मैं उसको बिल्कुल मानूंगा कि वो बीजेपी का एजेंट है आरएसएस का एजेंट है आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ समाजवादी बताइए जब कार सेवकों को मारा उसके बाद मुल्ला मुलायम सिंह हो गए क्या कर दिया मुल्ला सिंह ने मुसलमानों के लिए बताइए यूपी में कौन सा ऐसा काम कर दिया मुसलमानों के लिए लेकिन उन्होंने हुकूमतें चलाई बीजेपी के खिलाफ बोल करके ममता बनर्जी मुसलमानों के लिए क्या कर रही बताइए ना सिवाय नारेबाजी करके एक एक करके इसलिए मुझे लग रहा है एक एक करके प्लीज और जहां तक असदुद्दीन ओवैसी का आप बताइए असदुद्दीन ओवैसी मुल्क में क्या काम कर रहे हैं अगर आरएसएस की साजिश है अभी वहां बोल रहे थे तर्जुमान तो काम करें ना एक एक करके प्लीज अंडरस्टैंड एक एक करके कापी के पास ओके सारी ऐश्वर्य श्रीमान जी के अनुसार जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं वो जाहिल हैं ओके एवरीवन भी उलमा इकराम वो जाहिल हैं ये जितने भी तृणमूल कांग्रेस को समर्थन करने वाले अखिलेश यादव जाहिल नहीं है मुफाद परस्त हैं लालू प्रसाद यादव मुफाद परस्त हैं वो ओके फायदा उठाने वाले लोग ओके ठीक है एंडिंग कमेंट्स अंबर जी संसद में अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसा आतंकी बोला था तो साथ में अगर तौकीर रजा खान जैसे हिम्मत दिखा अरे भाई आप जाइए आप बेशर्मी की बात मत कीजिए और दूसरी बात चार महीने का बहकावा खत्म हो गया मुसलमान किस तरीके से चुनाव तक इनके बंधन में बना रहे इनकी झूठी बातों पर एतमाद करके वोट देता रहे ये मौलवियों ने मिलके पूरे देश के अंदर फराद हकीम जैसे लोगों को आगे करके तौकीर जैसे लोगों को आगे करके ये गेम खेल रहे हैं देश का मुसलमान समझ जाए जब तक इनकी बातों में रहेगा बहकावे में रहेगा जलील होता रहेगा लेकिन आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी है आप इतना घूमते हैं इतनी अब तस्वीरें लिए चलते हैं आज मैं इससे मिला कल मैं उससे मिला तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या आप लोगों को क्यों नहीं समझाते बगैर बॉडीगार्ड के अरे मैं आपकी ब्रेवरी की बात नहीं कर रहा हूँ अरे मैं आपकी ब्रेवरी की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ आपकी आपकी जिम्मेदारी नहीं आप लोगों को समझाइए मेरा एक वीडियो चुनाव एंडिंग कर रहा हूँ अभी ये सेल्फ प्रेज में आप मत जाइए वायरल था आप सर्वर साहब डोंट गो इनटू सेल्फ प्रेज मैं एक अपील करता हूँ डोंट गो इनटू सेल्फ प्रेज ये देश आजाद है तुम आजाद हो जाओ मैं मुसलमानों से ये अपील करता हूँ मुल्क आजाद है आप आजाद हो जाइए असगर खान साहब एंडिंग कमेंट्स ऐश्वर्य भाई तौकीर रजा साहब की एक कंप्लेंट है उस पे जरूर एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट को तमाम जिम्मेदारान को गौर करना चाहिए और उसको बाकायदा तौर पर उस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए जो दूसरा कमेंट है ऐश्वर्य साहब जो दूसरा कमेंट है उनका उन्हें मेरा सोचता एक एक करके प्लीज नहीं कहना चाहिए था कि दूसरे कौम के लोग बदकिस्मत हैं बल्कि ये कहना चाहिए था कि इस्लाम में पैदा होने वाले लोग किस्मतवर हैं
ये कहना चाहिए था हम इस्लाम में हम शब्दों का ही फेर बदल होता है, शब्दों का ही फेर बदल होता है साहब। किसी के धर्म किसी की आराध्य पर टिप्पणी करने की किसी को नहीं। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, एंडिंग कॉमेंट। प्रेम शुक्ला जी टिप्पणी, लेकिन प्रेम शुक्ला जी एंडिंग कॉमेंट। किसी को टिप्पणी यहाँ बैठ के भी नहीं करना चाहिए आपकी मौजूदगी में। जी ऐश्वर्य जी, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सारे तथाकथित सेकुलर जो हैं वो विकृत सांप्रदायिकता के शिकार हैं। लगातार जो है मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काकर इस देश में बंटवारे का बीज बोने पर आमादा है। इस देश में हिंदू के खिलाफ मुसलमान को खड़ा करके हिंसा फैलाना चाहते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, इंसानियत की जो है कत्ल कराना चाहते हैं। और ऐसे कातिलों को जो समाज के तथा कथित पुरोधा उनके समर्थन में जिस तरह से खड़े हो रहे हैं वो दिखाई दे रहा है कि गजवाए हिंद के समर्थन में एक जमात को खड़ा किए जाने का प्रयास जारी है। बहुत बड़े दादा बनते हैं। देखिए ये आपको, मैं तो फिराद हकीम से, मैंने तो अपनी रिपब्लिक बांग्ला टीम से कहा कि आई रियली वॉन्ट टू इंटरव्यू फिराद हकीम। तारिक अहमद लारी साहब चले गए, बोल रहे हैं ही इज द अल्ट्रा मॉडर्न फैमिली ऑफ कोलकाता। लग नहीं रहा, जो इस्लाम में पैदा नहीं हुआ वो बदकिस्मत है। नहीं सर, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। नहीं वो सही कह रहे हैं तो ये फिर क्या है उनकी फैमिली, तो ये क्या है इस्लाम से कोई, ये विपक्ष को समझना है कि आप कहां फंसे हुए हैं। मैं वो कह रहा हूं, ये वही लोग हैं जो साइकोलॉजिकल जीत देख रहे हैं अपने 99 सीट आने में। वहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी मॉस्को में है। There is a massive reception for the Prime Minister in Russia. और ये पहली विजिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रशिया में। वो गए थे ब्रीफली, इटली गए थे और G7। पर ये bilateral बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। S-400 की डील होनी है और आपको सारी जानकारी के साथ रिपब्लिक और रिपब्लिक भारत लाता रहेगा। हमारी साथी सुचारिता इन मॉस्को, विल गेट ऑल द डिटेल्स फर्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।